प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, हम लोग ग्रहों की युति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह जब युति करके बैठते हैं तो उसका क्या फल रहता है, उसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे पांच ग्रह योग की इस श्रृंखला में। सबसे पहले पांच ग्रहों का आधार आपकी जन्म कुंडली पर कहाँ पर बनता है, इसको जरूर देखना चाहिए। उसी के आधार पर इसका फल स्थिति भी यहाँ पर देखी जानी चाहिए। बात कर लेंगे इस पंचग्रह योग के इस श्रृंखला में सूर्य मंगल गुरु शुक्र शनि का संयोग। अगर ये युति कुंडली के अंदर किस भाव में बन रही है, वैसे तो इस आधार पर ही स्थितियों को ग्रह देखने के बाद ये फल कथन होना चाहिए, लेकिन फिर भी सामान्यतः जो फल यहाँ पर बताया है, कविज्ञो विचार दक्षश्च धातु यंत्र रसायने नर प्रसिद्धो भूपतिर जीवित शिवस्तासने, अर्थात ये योग अगर यहाँ पर बनता है तो ऐसे लोग विद्वानों की श्रेणी में अच्छे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, विद्या अच्छी प्राप्त कर लेते हैं, विद्वान होते हैं, विवेकी होते हैं, कोई भी कार्य करना हो विवेक के साथ करते हैं। धातु यंत्र या इंजीनियर्स वर्ग जो होता है, इंजीनियर ऐसे लोग हो सकते हैं, रासायनिक जो कार्य है ऐसे लोग उनको भी यहाँ पर करने में दक्ष होते हैं, विज्ञान आदि में इनकी रुचि अच्छी होती है। और इसी स्थिति में कई बार ये योग व्यक्ति को बहुत विख्यात भी बना देता है। तो दर्शकों, ये था इस युति का एक सामान्य फल। आप बने रहें और हमें दीजिए फिलहाल इजाजत।